Good morning, friends. Uh, myself Ankit Patwari. So today uh, we are starting uh, income tax uh, for specifically for semester three students. Uh, we'll be having hundred uh, percent live session, and if anyone is unable to attend, they can do online as well. But it will be hundred percent live, physical, right at our. Uh,

अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा एंड उससे आप अपना एग्जाम में तो अच्छा करेंगे वो तो डीम्ड है एंड एबल टू प्लान योर टैक्सेशन वट विल अर्न उसको आप किस तरीके से इनकम टैक्स आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं यू कैन सेव टैक्स विदाउट ब्रेकिंग द लॉ यू कैन कम टू नो कि ऐसा क्या क्या हमको करने से मेरे को टैक्स में बचत होगा एंड गवर्नमेंट टैक्स का पेमेंट uh, कब मांगती है अगर मैं टैक्स का पेमेंट टाइमली नहीं करूंगा अगर मैं टैक्स प्लानिंग ठीक से नहीं किया देन देट केस आई माइट हैव टू पे इंटरेस्ट एज वेल एज पेनल्टी सो हम लोग सारी बातें करेंगे uh, हालांकि आपका टैक्स मैनेजमेंट वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है बट यू हैव दस इनकम कंप्यूटेशन वाला पार्ट इन योर सिलेबस सो स्टेप स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज टैक्स इट्स चार्ज बाय द गवर्नमेंट जो भी सपोर्टिंग रोड वगैरह चाहिएगा आपके करिक्युल के लिए राइट एंड एट दर्स जब हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा अब यू हैव लॉ डिस्कशन जो कानून में क्या लिखा है इनकम टैक्स लॉ में क्या लिखा है वी विल डू प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल केस स्टडीज जो जो हम लोग हमारे एग्जाम में आएंगे सो so, सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड उसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है हैव टू वरी कि एग्जाम में किस पैटर्न में क्वेश्चन आता है एट द एंड जो पास्ट ईयर में पेपर्स आए हैं उसको हम लोग भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे सो so, आपको चिंता करने की कोई दरकार नहीं है राइट सो टैक्स अ फी चार्ज बाई द गवर्नमेंट राइट एंड वॉट एवर टैक्स टू द गवर्नमेंट दैट विल नॉट कन्फर एनी डायरेक्ट बेनिफिट जैसे सपोज uh, मैं अगर गवर्नमेंट को एक करोड़ का टैक्स देता हूँ देट डज इन मीन कि गवर्नमेंट मेरे को एक करोड़ का बेनिफिट देगी ऐसा वन टू वन रिलेशन नहीं है बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स सौ करोड़ डेढ़ सौ करोड़ का इनकम टैक्स देते हैं तो क्या उनको सरकार डेढ़ सौ करोड़ का फायदा देती है नहीं सो वॉट एवर टैक्स यू पे टू द गवर्नमेंट दैट विल नॉट कन्फर एनी डायरेक्ट बेनिफिट राेनिफिट विल बी गिवन टू द सोसायटी एज अ होल कैसा बेनिफिट राइट जनरली कुछ कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है कुछ कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है जैसे uh, हर साल बजट आता है आपको मालूम है उस बजट में ही डिसाइड होता है कि इतना रुपया हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्टर में खर्चा करेंगे इतना रुपये डिफेंस में खर्चा होगा इतना रुपया आर्मी में खर्चा होगा इतना रुपये एविएशन में खर्चा होगा इतना रु इतना रुपया हम लोग टूरिज्म में खर्चा करेंगे इतना रुपया का हम लोग रेलवे ट्रैक्स बनाएंगे एयरपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे राइट so whatever tax you are paying to the government it will not confer any direct benefit to any particular individual right and jobi tax up it will be uh, government to spend for the betterment of the country for developing the country right so you can note any tax paid does not confer any direct benefit to a particular person right benefit is provided to the society as a whole right

राइट right? आप लोग बजट देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा गवर्नमेंट किस किस पर्पज में पैसा खर्चा करती है ना हमारे यहाँ पे जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस हिसाब से देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस वन इज द टैक्स विच इज डायरेक्ट टैक्स दैट इज डायरेक्टली इम्पोज ऑन योर इनकम एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स राइट नाउ वट इज डायरेक्ट टैक्स दिस इज लेवाइड ऑन इनकम एंड वेल्थ हालांकि वेल्थ पे जो टैक्स लगता था उसको वेल्थ टैक्स बोलते थे डेट हेज बिन अबॉलिस्ड एग्जाम्पल इनकम टैक्स जो कि हमारा इनकम अर्निंग्स पे लगेगा इनकम अर्निंग्स पे और एक हमारा है वेल टैक्स राइट जो कि वेल्थ पे लगता है तो ये हमारा अबॉलिश हो गया है सो so, डायरेक्टली uh, इसका मतलब बिल्कुल साफ है एक पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली इनकम पे लग रहा है इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन द सेम पर्सन जो बंदा कमाएगा वही टैक्स देगा सपोज मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और मैंने उस प्रॉपर्टी को uh, किसी को भाड़े पर दे दिया आई हैव गिवन दैट प्रॉपर्टी ऑन रेंट ना आई विल रिसीव रेंट बट आई हैव टोल्ड द टेनेंट टू पे रेंट इन द नेम ऑफ माई वाइफ बेसिकली ट्राइंग टू बिकम सियाना इसको हम लोग हिंदी में सियाना बोलते हैं एंड ट्राइंग टू यूज हिज ब्रेन बट अगर उसको इनकम टैक्स के बारे में मालूम है जो कि इनकम पे लगाया जाता है तो इम्पैक्ट प्रॉपर्टी किसकी मेरी भाड़े पे किसने दिया मैंने अग्रीमेंट में जो बेनिफिशियरी है उसमें मैंने किसी और का नाम डाल दियाव द रेंट इट डिविलस लोग ऐसा करते हैं सपोज इफ आई एम इन हाई टैक्स ब्रैकेट और ये रेंट इनकम को अगर मैं ऐड करूंगा तो मैं और हाई स्लैब में चला जाऊंगा राइट सो अगर मैं हायर टैक्स रिजाइन में चला गया तो मेरे को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा तो मेरे घर में डिस्पोजेबल इनकम यू इकोनॉमिक्स मालूम है आपको इकोनॉमिक्स में व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स इसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं अगर मैं सौ कमाता हूं और उसमें से अगर मैंने 40 टैक्स दे दिया तो मेरा डिस्पोजेबल इनकम 60 कुछ कुछ फॉरेन कंट्रीज में टैक्सेशन ही 60% परसेंट वहां पे कुछ करने का दरकार नहीं है फ्री ट्रांसपोर्ट फ्री एडुकेशन फ्री मेडिकल फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्री वाटर सब सब कुछ फ्री है वहां सो so, वहां के लोग देते हैं टैक्स बट हमारे यहाँ पे लेने के बावजूद भी वी डोंट गेट दैट बेनिफिट सबका अपना अपना सोच है आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दैट मेरा बोलना भी ठीक नहीं होगा बट इंपैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन द सेम पर्सन मियर ट्रांसफर ऑफ इनकम विल नॉट शिफ्ट योर टैक्स बटन तो यहां पे एक चीज हमेशा याद रखेगा इंपैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन द सेम पर्सन द पर्सन हुन इनकम विल पे टैक्स ट्रांसफर ऑफ इनकम विल नॉट शिफ्ट द टैक्स बर्डन हमेशा याद रखना आपको. है आपको गवर्नमेंट ने इसीलिए स्पेसिफिक सेक्शंस भी इंट्रोड्यूस किया है इनकम टैक्स लॉ में उसको क्लबिंग ऑफ इनकम बोला जाता है मैंने प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को गिफ्ट कर दी राइट right? वाइफ उसमें से कमा रही है बट माई डियर फ्रेंड उस पर टैक्स मेरे को ही लगेगा so वो आपके करिकुलम में नहीं है दैट विल कम इन योर अपकमिंग सेमिस्टर्स बट स्टिल सो डायरेक्ट टैक्स में द पॉइंट इज वेरी क्लियर इनकम और वेल्थ पे लगाया जाता है डायरेक्टली जिसने कमाया वही टैक्स देगा पैसा आप किसी के भी अकाउंट में रिसीव करो मैंने कमाया और दान दे दिया गरीबों में मैंने कमाया और लंगर खिला दिया करोड़ लोगों को सरकार नहीं छोड़ेगी सरकार नहीं छोड़ेगी आपको आपको टैक्स लेगी आपसे देर आर स्पेसिफिक एरियाज वेयर यू कैन डोनेट देन यू गेट बेनिफिट ऑफ दैट ऐसा नहीं है डोनेशन देने से बेनिफिट नहीं मिलता मिलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप डोनेशन नहीं देंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा बट तरीका होना चाहिए आज आपने सौ लोगों को लंगर खिलाया हाउ दैट we'll लेकिन आपने किसी संस्था को जिसका काम ही यही है रिलीफ प्रोवाइड करना मेडिकल रिलीफ एडुकेशन रिलीफ उसको आप कॉन्ट्रीब्यूट करिए सरकार आपको उसका बेनिफिट देगी आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दीजिए नेशनल डिफेंस फंड में दीजिए राइट राजीव गांधी मेमोरियल फंड में दीजिए ऐसा काफी सारा फंड्स है ड्रॉट रिलीफ फंड में दीजिए ऐसे सिंपली आपने आपने कह दिया कि मैं गाड़ी चला रहा था आ, रास्ते में एक भिखारी ने मेरे को रोका मैंने दो हजार का नोट निकालकर उसको दे दिया सेप्टेम्बर तक तो चल ही रहा है दो हजार का नोट तो प्रॉब्लम नहीं है अभी राइट सो so, आपको समझना पड़ेगा वेर यू अप्लाई द इनकम इनकम टैक्स हैज गॉट नथिंग टू डू विद दैट आपने कमाया है आपको टैक्स देना पड़ेगा इज इट फाइन चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सिंपल है ये लगाया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे एग्जाम्पल प्रायर टू सेवेंटीन अगर मैं बात करूं वैट एक्साइज सर्विस टैक्स कस्टम ड्यूटी राइट 2017 के पहले जब जीएसटी नहीं आया था अपन वैट देते थे सेल ऑफ गुड्स पे एक्साइज ड्यूटी देते थे मैन्युफैक्चर पे सर्विस टैक्स देते थे अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं और इफ आई एम इनटू एक्सपोर्ट इंपोर्ट राइट देन तो इन दैट केस कस्टम ड्यूटी लगता था इसके बाद 2017 ऑनवर्ड्स things have changed, GST, custom duty. आप टैक्स पहली बार समझ रहे हैं अच्छे से समझिए मैं आपको बोल रहा हूं माई सेल्फ बींग अ चार्टेड अकाउंटेंट कभी कभी तकलीफ होती है कि लोग हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न भरवाने आते हैं हालांकि चार्टेड अकाउंटेंट का सर्विस अगर आपको तभी लेना है जब आपको अपना अकाउंट्स ऑडिट करवाना है लॉ में एक सेक्शन है कि अगर आपका टर्नओवर एक करोड़ को क्रॉस कर रहा है तब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके टैक्स ऑडिट करवाना है तब आप आइए मेरे पास तब आप मेरे को फीस दीजिए सैलरीड एम्प्लॉय जिसका मैक्सिमम काम एम्प्लॉयर कर देता है फॉर्म ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर सैलरीड एम्प्लॉ और आजकल तो भैया इतना आसान हो गया गवर्नमेंट सारा इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट कर दे रही है आपका लॉग इन पोर्टल में ए आई एस एंड टी आई एस के फॉर्म में प्री फिल्ड डाटा आप ले सकते हैं सो so, ऑटोमेटिकली आपका पूरा इनकम कंप्यूटेशन गवर्नमेंट ने कर दिया है वो लोग भी आते हैं मेरे पास रिटर्न भरवाने के लिए अगर मेरे पास वक्त होता ना तो मैं उनको सिखा देता लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है उनका काम करने में मेरे को दस मिनट लगता है और चार पांच पांच सौ का नोट वो लोग देके जाते हैं पहले पंद्रह सौ लिया करते थे अब दो हजार कर दिए हैं किसी का बिजनेस इनकम है तो ढाई हजार तीन हजार पांच हजार डिपेंडिंग अपॉन द टर्न ओवर टैक्सिट है तो बारह हजार पंद्रह हजार मेरे पास मत आइए मैं आपको मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूं ज डू नॉट कम टू मी फॉर दी सीखिए, राइट सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट के लिए इनकम टैक्स समझना इनडायरेक्ट टैक्स समझना इनफैक्ट जीएसटी का जो रिटर्न्स वगैरह हम लोग जमा करते हैं उसके लिए भी चार्ट अकाउंटेंट का दरकार नहीं है प्रॉपर आप एक ईआरपी सिस्टम लीजिए जैसे टैली हो गया राइट right? प्रॉपर आप ईआरपी सिस्टम लीजिए एक मैं आपको एक बात बता रहा हूं जीने के लिए ऑक्सीजन नेसेसिटी होता है वैसे ये कॉमर्स स्टूडेंट के लिए टैली प्राइम सीखना नेसेसिटी होता है सांस कैसे लेंगे आप बिना टैली प्राइम के ये आपका नेसेसिटी है बाजार में अभी टैली चल रहा है तो आपको टैली सीखना है आप और भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेज यू कैन लर्न दैट आल्सो।

सर आपको तो इनकम हो रहा है आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है नहीं आप खुद कर सकते हैं आपको पढ़ाया जा रहा है आप क्यों नहीं सीख रहे हैं राइट डोंट जस्ट स्टडी इनकम टैक्स जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग इफ यू एक्चुअली वॉन्ट टू लर्न इनकम टैक्स टैक्सेशन क्या है ये सब्जेक्ट अगर आपको सीखना है तब आप इसको अच्छे से पढ़िए एंड जस्ट सी इट विल क्रिएट अ लॉड ऑफ डिफरेंसोर वाला चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें क्या होता है कि अगर आप एक घर बेच रहे हैं और उस प्रोसीड से अगर आप दूसरा घर खरीद लेते हैं अगर आप एक घर बेच के जिस पैसा आता है सपोज आपने दस साल पहले कोई घर खरीदा था पचास लाख में आज आप उसको सेल कर रहे हैं एक करोड़ में सो डिफरेंस इज फिफ्टी लाख सो यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट राइट इट्स इट्स एन इनकम गेन फॉर यू बट अगर आप उस रुपया से एक और घर खरीद लेते हैं दे इज अ टाइम लिमिट देन यू डोंट टैक्स मतलब घर बेच के घर खरीद लो नया आपको इनकम टैक्स देने का दरकार नहीं दैट्स That's, that's non in that case. वो गेन आपके लिए नॉन टैक्सेबल हो जाएगा इनकम टैक्स में नॉन टैक्सेबल चीजों को एक्सेंटेड बोला जाता है एक प्रॉपर्टी बेचा एंड ही वॉज वेरी टेंड इतना रुपए का इनकम टैक्स आएगा वॉट टू डू वॉट टू डू द सन इंस्टेंटली सजेस्टेड हिस् दैट की डैट इफ यू बाय न्यू हाउस

जनरल एक अकाउंटेंट होते थे लॉयर होते थे एडवोकेट होते थे तो उनको काफी नॉर्मल मुनिम टाइप का काम तो उसको कॉल किया बोला हाँ ये तो सही है ऐसा हो सकता है यू बिलीव नेक्स्ट डे उसके डैड ने उसको गाड़ी गिफ्ट की ही केम विद द कार ऑब्वियसली डिलीवरी लेने के बाद मैंने डेढ़ महीने बाद ही मी सर आई सजेस्टेड डैड दिस थिंग मेरे डैड ने मेरे को गिफ्ट किया है एंड मैं उनको अभी काफी ज्यादा टैक्सेशन मैटर्स मैम गिविंग हिम आपका नॉलेज देखे आपको कितना काम आया राइट right? सो so ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है आप जब पढ़ेंगे ना इसको तो आपको समझ में आएगा कि वॉट इज देर इन दब्जेक्ट एनी वे सो दो हजार सत्रह के पहले काफी सारा टेक्सेस हुआ करता था अभी सत्रह ऑनवर्ड्स ये सारे टैक्सेस को मिला के लोग कंफ्यूज थे सेल हो रहा है खाली वैट लगेगा वैट इज अ फॉर्म ऑफ सेल्स टैक्स मैन्युफैक्चर करके सेल करो तो दोनों चार्ज करो सर्विस प्रोवाइड करो तो सर्विस टैक्स लो बोला इतना पंगाइच नहीं लेने का अच्छा फर्दर वैट लगाता था स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज लगाता था एक सेंट्रल लगा गवर्नमेंट सर्विस टैक्स लगाता था सेंट्रल गवर्नमेंट तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन था तो अभी सिंपल फंडा क्या है गुड्स हो चाहे सर्विस हो सेल हो मैन्युफैक्चर हो कुछ भी हो जीएसटी लगेगा और इस जीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगा आधा आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा मतलब अगर खाली मैं सेलिंग कर रहा हूं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो भी जीएसटी लगेगा मैं मैन्युफैक्चर करके बेच रहा हूं तो भी जीएसटी लगेगा मतलब पहले मैन्युफैक्चर का शेयर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलता था और सेल्स टैक्स में शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मिलता था लेकिन अब क्या हो गया सारा ट्रांजैक्शन को सेम मानो तुम भी लो मैं भी लेगा ये डिवीजन अब हटा दिया हालांकि कस्टम हैज नॉट बीन समड कस्टम को ये लोग मिलाया नहीं है राइट right? सो so, सबसे पहला मेरे को बात बताइए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है जो गुड्स एंड सर्विस पे लगता है क्या है इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल पुराने बात को मिट्टी डालो सर जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी सारा टैक्सेस को सबसम करके जीएसटी बनाया गया एंड कस्टम ड्यूटी को सबसम नहीं किया है मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे अभी भी लगेगा कस्टम ड्यूटी राइट आइए तो इसका एग्जाम्पल क्या है यहां पे सर यहां पे क्या है इंपैक्ट इंसिडेंस क्या है यहां पे? मैं बताता हूं आपको नोट इंपैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन डिफरेंट पर्सन ये क्या बात हुआ सर जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है बोलता है जो बंदा कंज्यूम करेगा वो टैक्स देगा इसका मतलब ए ने बी को बेचा बी ने सी को बेचा एंड सी इज वो सी कौन है बेटा सी कंज्यूमर है तो ए जब बी को बेचेगा तो उससे जीएसटी लेगा बी ने जीएसटी दे दिया है बट बी इज नॉट लाइबल टू बियर बिकॉज बी भी आगे जाके बेच रहा है बी भी जीएसटी कलेक्ट करेगा सी से अल्टीमेटली सी इज द पर्सन हु बियर टैक्स सर बी ने भी तो दिया था नहीं बी ने पे किया और बी ने कलेक्ट भी कर लिया जीएसटी तो बी का तो बराबर हो गया पोजीशन। हालांकि जो भी डिफरेंस कलेक्टेड होगा वो जमा कर देगा सरकार को बट अल्टीमेटली चीज बराबर हो गई है तो यहां पे इंपैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन डिफरेंट पर्सन आई हैव सोल्ड गुड्स अगर तुम कंज्यूमर हो तो तुम्हारा पॉकेट का खर्चा हो गया तुम अगर कंज्यूमर नहीं हो तो तुम भी आगे बेच रहे हो तुम आगे कलेक्ट कर लो अपना टैक्स जो पे किया उसको रिकवर कर लो पहले स्ट्रक्चर में जब वैट के भी पहले जीएसटी आने के पहले वैट होता था उसके पहले सेल्स टैक्स होता था वहां पर हर पॉइंट पे टैक्स लगता था वहां पर हर एक आदमी को कंज्यूमर माना जाता था

तो यहां पे इंपैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन डिफरेंट पर्सन इट इज नॉट ऑन द सेम पर्सन मैंने बेचा है मैं तुमसे कलेक्ट करूंगा तुम आगे बेच रहे हो तुम आप सामने वाले से कलेक्ट करो लेकिन अल्टीमेटली कौन बियर कर रहा है इट इट इज 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 द द कंज्यूमर हु इनडायरेक्ट टैक्स फाइन मतलब अगर मैं एक सैलड एम्प्लॉय हूं चीज सोचना अगर मैं एक सैलर्ड एम्प्लॉय हूं मैंने सौ रुपया कमाया है उस पर मैंने बीस रुपया पहले इनकम टैक्स दिया मेरे हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कितना बचा एट्टी रुपीज उस एट्टी रुपीज से मैं क्या खरीदूंगा कपड़ा खरीदूंगा जीएसटी पेमेंट करूंगा राशन खरीदूंगा कुछ कुछ आइटम्स पे जीएसटी नहीं है राशन खरीदूंगा उस पर जीएसटी दूंगा टूरिज्म टिकट्स बुक करूंगा उस पर जीएसटी दूंगा अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है इंश्योरेंस करवाया है उस पर जीएसटी है प्रीमियम पे मैं लैंडलॉर्ड को भाड़ा दे रहा हूं उस पर जीएसटी है रेस्टोरेंट में जाके खा रहा हूं उस पर जीएसटी है फ्लाइट का टिकट बुक किया हूं वेकेशन के लिए वहां टिकट जीएसटी है होटल में स्टे कर रहा हूं वहां जीएसटी है मतलब मैं जो एक्सपेंडिचर करता हूं उन सारे एक्सपेंडिचर पे मैं जीएसटी देता हूं सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस प्रोवाइडर फिर मेरे से कलेक्ट करके सरकार को जमा देगा तो तुम एक चीज सोचो सौ में बीस मैंने टैक्स दिया इनकम टैक्स दे दिया पर्सनल टैक्स अस्सी मेरा डिस्पोजेबल इनकम आया उसको जब मैं खर्चा कर रहा हूं तो उस पर भी मैं टैक्स दे रहा हूं मतलब एक आम आदमी करीबन तीस से पैंतीस परसेंट अपना कमाई का टैक्स दे देता है एक सेलड एंप्लॉ राइट

सो so, ये मैंने क्लियर कर दिया आपको तो डायरेक्ट टैक्स जहां पे इनकम और वेल्थ पे लगाया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स गुज एंड सर्विस पे लगाया जाता है डायरेक्ट टैक्स में इंपैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन द सेम पर्सन हैज अर्न द पर्सन विल पे टैक्स मियर ट्रांसफर ऑफ इनकम विल नॉट शिफ्ट द टैक्स बटन मियर स्पेंडिंग विल ऑल्सो नॉट शिफ्ट द टैक्स बटन राइट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में आप लोगों को मालूम है इंपैक्ट इंसिडेंस डिफरेंट पर्सन पे होता है अल्टीमेटली कंज्यूमर है जो टैक्स बियर करता है राइट चलिए हम लोग के करिकुलम में इनकम टैक्स है यू हैव सेवेंटी मार्क्स इनकम टैक्स एंड रेस्ट यू हैव अदर लॉ राइट अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो ये लॉ है इनकम टैक्स अगर आपको पढ़ना है ना अगर आपको इनकम टैक्स इनकम टैक्स किस पे लगता है इनकम पे लगता है राइट तो इसका एक कानून होगा जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का बर क्यों बनाया गया इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को इसलिए बनाया गया देर आर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय द सेलर मैंने कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अडॉप्ट नहीं किया आप आके फिजिकल क्लास करिए हंड्रेड परसेंट फिजिकल क्लास कोई इसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है कॉलेज का छुट्टी होगा आ जाइए कॉलेज जाएंगे उसके पहले आ जाइए राइट right?

उसके लिए कानून बनाया जाता है राइट किसी ने किसी का खून कर दिया तो उसका क्रिमिनल प्रोसीडिंग होता है राइट इस तरीके से डिफरेंट लॉ है हमारे कंट्री में वैसे इनकम टैक्स लागू करने के लिए लगान राइट ब्रिटिश सरकार उस समय लगान लेती थी उसी को टैक्स बोला जाता है राइट सो so, इनकम टैक्स के लिए लॉ है नॉ लॉ डज इट अ बेयर एक्ट खाली एक एक्ट पढ़ लिया पहले आपको समझना पड़ेगा इनकम टैक्स समझने के लिए आपको इनकम टैक्स लॉ समझना पड़ेगा इनकम टैक्स लॉ क्या होता है दोस्त इनकम टैक्स लॉ इन पांच चीजों से बनता है इनकम टैक्स लॉ इन पांच चीजों से बनता है क्या है पहला यह है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक है आपका इनकम टैक्स रूल्स 1962 एक है आपका फाइनेंस एक्ट एक है आपका सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस और एक है आपका केस लॉस इन सबसे बनता है लॉ अगर मैं इनकम टैक्स लॉ की बात करूं तो इन सबको मिला के लॉ बनाया गया है किसी एक चीज से लॉ नहीं बनता है दोस्त राइट एक्ट में क्या लिखा है ये इसमें सारा ओरिजिनल प्रोविजन है ओरिजिनल लॉ मेन मेन जो एक्ट होता है ना वो है इसमें क्या लिखा है ये इनकम टैक्सेबल है ये इनकम एक्जेमटेड है मतलब इस पर टैक्स नहीं लगेगा इस इनकम पे इतना परसेंट ही टैक्स लगेगा इसमें ये लिखा है अगर कोई अपना इनकम ट्रांसफर कर देता किसी और को नहीं जो बंदा कमाया है वही टैक्स देगा ये लॉ में ये लिखा है कि अगर एक सोर्स में आपको इनकम हुआ है दूसरे सोर्स में आपको लॉस हुआ है एक सोर्स से आपको इनकम हुआ है दूसरे सोर्स में आपको लॉस हुआ है तो आप सेट ऑफ करके नेट इनकम पे टैक्स दे सकते हैं लेकिन कुछ कुछ जगह ये लोग मानता भी नहीं है, है नाइट तो वो लोग क्या करता है तीस चालीस लाख रुपए का उनका इनकम है थर्टी लैक्स मतलब दे टैक्स ब्रैकेट थर्टी तो उनका काफी ज्यादा मनी टैक्स में चला जाता है तो वॉट दे डू क्रिएट अ डमी बिजनेस राइट डमी बिजनेस बना के उसमें लॉस क्रिएट करते हैं लॉस क्रिएट करके उस लॉस को इस सैलरी इनकम से सेट ऑफ करने का कोशिश करते हैं जिससे इनका ओवरऑल इनकम कम हो जाए और सरकार को कम टैक्स जमा देना पड़े लेकिन सरकार ने क्या बोला मालूम है बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम तो ऐसा काफी सारा कानून है उसके इस कानून को पढ़ के हम अपना इनकम निकालेंगे राइट एक इनकम वो होता है जो मेरे बैंक अकाउंट में है जरूरी नहीं है उस पूरे इनकम पे मेरे को टैक्स देना है जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आ, किसी डिफेंस फंड में पैसा जमा दिया है किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को मैंने पैसा दिया डोनेशन का हालांकि वो सब भी फेक होते हैं दैट वो आप लोग धीरे धीरे जब आप टैक्स पढ़ेंगे आप लोगों को समझ में आएगा पैसा घुमा लेता है वो लोग राइट एनी वेट लेट्स टॉक अबाउट द लीगल वे तो आप जैसे वॉट यू हैव अर्न उस पैसे को आप डोनेट कर दिए तो ही आपने चैरिटी का नहीं मानेगा वो लोग चैरिटेबल अप्रूव चैरिटेबल ट्रस्ट को दीजिए ड्रॉट रिलीफ फंड में दीजिए डिफेंस फंड में दीजिए देर आर फंड जमा करेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा फर्दर आपने अपना मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लिया है दिस इज कंसिडर्ड आपने कुछ सेविंग्स पीपीएफ अकाउंट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपने कुछ लाइफ इंश्योरेंस लिया दिस इज एडमिसिबल आप हायर एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट कर रहे हैं एडमिसिबल है आपने पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है एडमिसिबल है आप किसी डिसेबल डिपेंडेंट का ख्याल रख रहे हैं एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड तो कुछ कुछ एप्लीकेशन ऑफ इनकम को कंसीडर तो इन दैट केस आपको नेट इनकम पे टैक्स देना है तो ये सारा आपको इनकम टैक्स एक्ट में मिलेगा हाउ इनकम कंप्यूटेशन इज डन व्हाट इज दिस इनकम टैक्स रूल्स जैसे सपोज बिजनेस इनकम निकालते वक्त डेप्रीशियेशन लेस करेंगे अपना जितना दिन एसेट यूज हुआ है उस पर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट होगा नहीं यहां पे हाफ रेट है या तो फुल रेट है एंड यहां पर डेप्रीशिएशन ब्लॉक कॉन्सेप्ट कैलकुलेट होता है हम लोग पढ़ेंगे हमारा थर्ड uh, टॉपिक होगा पीजीबीपी तो उसमें प्रॉफिट एंड गेन्स ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशंस में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें यू विल लर्न सो डेप्रिशन इज कैलकुलेटेड तो ये सब रूल्स किया गया है एग्जाम्पल आर अदर रूल्स ऑल्सो राइट फाइनेंस हर साल फरवरी में जैसा अभी भी आया था फरवरी 2023 में फाइनेंस एक्ट फाइनेंस एक्ट तेईस का काम क्या है, मालूम है ये जो ओरिजिनल लॉ है इसमें अगर कोई भी एडिशन डिलीशन करना हो एडिशन डिलीशन इन ओरिजिनल लॉ तो वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू ही किया जाता है जैसे पहले डिविडेंट एक्जेमटेड हुआ करता था मतलब डिविडेंट इनकम पे टैक्स नहीं लगता था पहले पहले डिविडेंट इनकम पे टैक्स सरकार नहीं लगाती थी बट अब डिविडेंट टैक्सेबल हो गया है राइट right? तो कानून बदल रहा तो कोई भी कानून अगर आपको बदलना है तो आपको फाइनेंस एक्ट में वो लाइन को ऐड करना पड़ेगा या पुराना लाइन को डिलीट करना पड़ेगा ये हर साल आता है तो फाइनेंस एक्ट 2023 में जो भी आया दिस इज एप्लीकेबल फॉर द ईयर थ्री लास्ट ईयर फाइनेंस एक्ट 2022 आया था वाज एप्लीकेबल फॉर 22-23 ट्वेंटी थ्री तेईस के लिए एप्लीकेबल था वो राइट right? तो हर साल फेब में बजट आता है उसमें सारे सेक्टर्स के बारे में बात, बात किया जाता है कि इसमें हम लोग का ये प्लानिंग है इसमें हमारा ये प्लानिंग है प्लस उसमें इनकम टैक्स लॉ में भी क्या क्या चेंजेस आता है जीएसटी में सब बताया जाता है तो अगर हमको तेईस चौबीस का इनकम निकालना है ये इनकम निकालेंगे ना तो उसका एडिशन डिलीशन पहले ही हो जाता है फरवरी में बजट आता है फाइनेंस एक्ट उसमें बता दिया जाता है तो इफ आई हैव टू कैलकुलेट इनकम फॉर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर विच इज द करेंट ईयर, जिसका बजट फेब में आ गया है क्योंकि अप्रैल में साल शुरू होता है टैक्स में दे फॉलो अप्रैल टू मार्च कॉन्सेप्ट यूएस में जैन टू डिसंबर होता है बुक्स ऑफ अकाउंट आप जैन टू डिसंबर भी बना सकते हैं अप्रैल टू मार्च भी बना सकते हैं तो लोग क्या करते हैं अप्रैल टू मार्च ही फॉलो करते हैं क्योंकि टैक्स के लिए फिर अलग से जैन अगर मान लो हम जैन से डिसंबर फॉलो कर रहे हैं इनकम टैक्स के लिए मेरे को वापस से फिर अलग से बनाना पड़ेगा अप्रिल टू मार्च तो दो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है इसलिए इनकम टैक्स में अप्रिल टू मार्च एक्सेप्टेड है तो नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट भी अप्रिल टू मार्च बनता है तो अगर हमको 23-24 का इनकम निकालना है तो मेरे पास फाइनेंस एक्ट 1961 होना चाहिए इनकम टैक्स रूल्स 1962 होना चाहिए और फाइनेंस एक्ट भी होना चाहिए 2023 वाला सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन इनकम टैक्स का सारा मैटर सीबीडीटी हैंडल करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस राइट किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप चले जाएंगे तो वो लोग आपका मैटर नहीं देखेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस राइट सो ये सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस में क्लैरिफिकेशन दिया जाता है कि इस लॉ का ये मतलब है राइट right? डिपार्टमेंट जो है ना टाइम टू टाइम सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन निकालती रहती है जैसे दिवाली में बिजनेस में बिजनेस में गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजा होता है राइट तो दिवाली में अपने मूर्ति लाते हैं पंडित जी को बुलाते हैं पूजा करवाते मिठाई हैं मिठाई बांटते हैं ये सब करते हैं तो दिवाली में जो जो खर्चा किया जाता है क्या ये पर्सनल खर्चा माना जाएगा कि बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाएगा तो इस नोटिफिकेशन में ये चीज क्लैरिफाई किया गया कि इट्स अ बिजनेस एक्सपेंडिचर तो दिवाली में आप जो भी खर्चा करते हैं वो आपका बिजनेस का एक्सपेंडिचर माना जाता है क्योंकि गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजा हर बिजनेस आदमी करता है राइट तो ये काफी सारा क्लैरिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन दिया गया है, जो आपको टाँटु 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 आपको में हुआ है राइट बट टाइम टू टाइम जहां जहां रिक्वायर्ड होगा मैं आपको बताऊंगा तो इसके बारे में भी हमको आइडिया होना चाहिए राइट कोई लॉ समझ में नहीं आ रहा तो डिपार्टमेंट ने उसमें पूरा क्लैरिफिकेशन इसका इस तरीके से होगा केस लॉ जजमेंट ऑफ द कोर्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करता है सपोज आई वॉज ऑफ द ओपिनियन की ये इनकम टैक्सेबल नहीं है बट सरकार बोलती है नहीं ये इनकम टैक्सेबल है तो कोर्ट पे केस हुआ कोर्ट ने एक जजमेंट दिया अब आगे सबको वो जजमेंट फॉलो करना है तो ये केस लॉ जो होता है ये भी एक टाइप का कानून बन जाता है राइट right? पहले बोला जाता था जब तक रजिस्ट्री नहीं हुआ है तब तक सेल कंप्लीट नहीं माना जाएगा

तो ये सब केस लॉ में डिसाइड हुआ था कि रजिस्ट्रेशन को महत्व नहीं दिया जाएगा हालांकि अकाउंट्स में भी हम लोग को मालूम है सब्सटेंस ओवर फॉर्म अगर किसी को अकाउंटिंग का नॉलेज है तो दे कैन दे कैन मेक इट आउट फ्रॉम दिस सब्सटेंस ओवर फॉर्म जहां पे बोला जाता है लीगालिटी चेक नहीं होगा लीगालिटी चेक नहीं होगा सब्सटेंस देखो हैव यू है किस येज है पोजिशन पोजिशन आर यूजिंग इट ये आई एम इट्स योर एस एड ड्रो तो तो right? तो ये ये सब चीज चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब मैं इनकम टैक्स लॉ की बात करता हूं, तो उसमें ये सारा आएगा। थ्री एंड फोर एंड फाइव तब जाके आप अपना इनकम कंप्यूट कर पाएंगे राइट सो इनकम टैक्स लॉ कम्प्राइजेस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द बेर एक्ट द मेन एक्ट ओरिजिनल लॉ इनकम टैक्स रूल्स टू इसमें काफी सारा रूलिशन डिलीशन करना है जैसे हर साल सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लैरिफिकेशन वगैरह देता है डिपार्टमेंट एंड देन केस लॉस जजमेंट ऑफ द कोर्ट राइट हाई कोर्ट का जजमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा उस तरीके से क्लियर no. सबसे पहले अगर मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट की बात करूं किसी भी एक्ट की बात करूं सबसे पहला सेक्शन वन ये एक्ट का ऑब्जेक्टिव और प्रियम्बल डिस्कस किया गया है कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन दिस पर्टिकुलर एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि इनकम पे टैक्स लगाया जाएगा एंड दिस अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया और दिस अपलाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर इस तरीके से तो यहां पर एंड स्कोप के बारे में इनकम टैक्स लॉ का नहीं बात कर रहा हूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देख लो पार्टनरशिप एक्ट खोल के देख लेना जो तुम लोग लॉ लो में पढ़ा होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब में सेक्शन पहला में ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप रहता है सेक्शन टू में डेफिनेशन रहता है जितने भी टर्मिनोलॉजीज यूज किए गए हैं इस पर्टिकुलर लॉ में उनका रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं पर्सन अगर मैं बात करता हूं पर्सन पर्सन मतलब चलता फिरता आदमी अगर मैं इसको पर्सनल अकाउंट से लिंक करूं पर्सनल अकाउंट से याद है ना नॉमिनल रियल पर्सनल तो वहां पे नेचुरल पर्सन person भी पर्सनल अकाउंट में आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल भी पर्सनल में आता है हा? और आर्टिफिशियल पर्सन भी पर्सन में आता है लेकिन यहां पे पर्सन का डेफिनेशन बड़ा है यहां पे पर्सन का मतलब क्या है आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी राइट पर्सन का मतलब क्या है इंडिविजुअल ठीक है इंडिविजुअल में कौन आएगा राम श्याम अली अकबर राइट right? ये सब आएंगे रॉबर्ट जॉन एच यू एफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जैसे मान लो एक्स एच यू एफ है इसका मतलब एक्स इज द कर्ता कर्ता धरता इसका यही है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली देन यू हैव पार्टनरशिप फॉर्म ए बी सी एंड को इसका मतलब क्या ए बी एंड सी आर पार्टनर्स पब्लिक ओनर्स क्योंकि आप बिजनेस अकेले भी कर सकते हैं फैमिली बिजनेस भी हो सकता है पार्टनरशिप फॉर्म में भी हो सकता है कंपनी रिलायंस लिमिटेड जेड प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड एक सेपरेट एंटिटी क्रिएट किया गया है लोकल अथॉरिटी, केएमसी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ठीक है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कैलकाता यूनिवर्सिटी ये लोग सब पर्सन में आएंगे राइट right? एसोसिएशन ऑफ पर्सन लाइक ज्वाइंट वेंचर राइट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ये जो होता है ना ये वॉलेंटरीली होता है और ये अनवॉलेंटरीली होता है कहने का मतलब है एक्स और पार्टनरशिप फॉर्म मिलके ज्वाइंट वेंचर बनाया लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए दोनों पार्टी या जितने भी पार्टी सबको इंडिविजुअल स्टेटस का होना पड़ेगा फादर की डेथ हो गई तीन बेटे थे तो जब तक डिवाइड नहीं हो जाता तीनों विल बी रिगार्डेड एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर द फादर इनकम राइट right? सर आप डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं क्या बात है ये तो हम लोग किताब से पढ़ लेंगे नया कुछ बताइए बेटा इससे क्वेश्चन आता है आपको ये वाला दे देगा राइट हैंड साइड वाला और बोलेगा लेफ्ट हैंड साइड बताओ पर्सन का स्टेटस बताओ कैलकाटा यूनिवर्सिटी कौन है बीएमसी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन है फादर डाइड टू सन्स एक्स एंड वाई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कोलैबरेटेड विथ रिलायंस एसोसिएशन ऑफ पर्सन राइट तो यह सारा डेफिनेशन ये तो मैंने पर्सन का डेफिनेशन बताया राइट right? यह तो मैंने पर्सन का डेफिनेशन बताया जितना भी डेफिनेशन है लॉ में सारा डेफिनेशन सेक्शन टू में मिलेगा आपको राइट right? सो so इतने टाइप के पर्सन होते हैं

Liable to pay tax under income tax law or under any law for the time being, right? In force. कोई भी लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स है या अंडर इनकम टैक्स लॉ तो बेसिकली एस एस सी इज अ पर्सन एस एस सी इन इंडिविजुअल इज आईर पार्टनरशिप फ्रॉम इज लायबल टू पे टैक्स अंडर दिस इनकम टैक्स लॉ मतलब इज हैज अर्ड इनकम राइट ना प्रीवियस इन टैक्स में प्रीवियस ईयर का क्या मतलब होता है मालूम है करंट फाइनेंशियल ईयर अकाउंट्स में प्रीवियस मतलब पास बट टैक्स में प्रीवियस ईयर तो पीवाई तेईस चौबीस मतलब एक अप्रैल 2023 से लेके इकतीस मार्च चौबीस तो इस फाइनेंशियल ईयर का हमको इनकम निकालना है ठीक है देन एसेसमेंट ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर मतलब ए वाई चौबीस पच्चीस एक अप्रैल चौबीस से लेके इकतीस मार्च पच्चीस ये जो आप कमाए इधर इसका हिसाब किताब इधर होगा जो भी आपने कमाया उसका हिसाब किताब अगले साल होगा कहने का मतलब बिल्कुल साफ पर्सन अंस इनकम इन पी वाई तेईस चौबीस determines and pays tax in ay 24 25 person earns income in py 23 24 determines and pays tax in ay 24 25 ऑल्सो सबमिट्स रिटर्न ऑफ इनकम इन ए वाई चौबीस पच्चीस रिटर्न ऑफ इनकम में आप क्या जमा देते हैं डिटेल्स ऑफ इनकम अर्ड एंड टैक्स पेड पेड मतलब सेल्फ असेसमेंट जो आप खुद अपने आप से दिए हैं और इसका जो फॉर्मेट होता है ना सीबीडीटी टी प्रेस्क्राइब करती है साल साल यानी कि एक रिटर्न का फॉर्म निकला हुआ है उसी पे अपलोड करते जाओ नहीं Time to time ये ये होता है, drastically change होता है। है, हो हो गया। अभी तो तो लोग अलग से से एक utility बना दिया है। उस में में जब इंटरनेट से connected रहता था, तो automatically सारा सारा जाता क्योंकि सरकार के पास में भी काफी इंफॉर्मेशन जा रहा है ऑटोमेटिकली तो मैंने प्रीवियस ईयर में कमाया टैक्स दूंगा मैं असेसमेंट ईयर में राइट right? टैक्स दूंगा असेसमेंट ईयर में ऑल्सो बेसिकली थर्टी फर्स्ट जुलाई दो हजार चौबीस तक राइट थर्टी फर्स्ट जुलाई दो हजार चौबीस तक मैं रिटर्न ऑफ इनकम जमा करूंगा एंड दिस इज दास्ट डेट जैसे अभी मैंने बाईस तेईस प्रीवियस ईयर का इकतीस जुलाई आज हमारा अट्ठाईस जुलाई है दो दिन और बचे आई हेव डन ऑल माई क्लाइंट्स का सारा हो गया हमारा राइट सो जो भी इनकम आपने कमाया है उसका नेक्स्ट ईयर इज असेसमेंट ईयर उस साल आप टैक्स देंगे एंड रिटर्न ऑफ इनकम भी जमा करेंगे जो स्पेसिफिक ड्यू डेट है ऐसा क्यों करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर वाई सबमिटेड एस एसिंग ऑफिसर जो आपका इनकम टैक्स ऑफिसर है ऑन द बेसिस आर एस एसिंग ऑफिसर विल डिटरमाइन वेदर टैक्स पेड इज करेक्ट और नॉट विल डिटरमाइन वेदर टैक्स पेड इज करेक्ट और नॉट राइट तो आप प्रीवियस ईयर में कमाइए असेसमेंट इयर में आपको टैक्स देना है एंड आपको रिटर्न ऑफ इनकम भी जमा करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम सबमिटेड और इनकम टैक्स ऑफिसर एसेसिंग ऑफिसर विल डिसाइड डिटरमाइन टैक्स पेड इज करेक्ट और फर्दर एसे करेगी अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको इतना इंटीमेट करेगी, करेगी कि आपका सब कुछ सही है नहीं तो आपको फर्दर डॉक्यूमेंट मंगवाएगी या जो भी उनका प्रोसेस है दे विल फॉलो एंड इसका फॉर्मेट सी बी डी टी बताता है अब इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है हालांकि जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ ये जो रूल है ना इसका एक एक्सेप्शन है एक्सेप्शन क्या है आता है एग्जाम में कि आप प्रीवियस ईयर में कमाए हैं आपको प्रीवियस ईयर में टैक्स देना पड़ेगा मैं शिपिंग बिजनेस में मैं शिपिंग बिजनेस में शिप यहां से एम्बार्क करने वाला अपना जर्नी माल लोड कर लिया है राइट right? वो बोलता है मैं वहां पहुंच जाता हूं पहुंचने के बाद आपको टैक्स दे देता हूं पोर्ट छोड़ने नहीं दूंगा टैक्स जमा कर तो शिपिंग बिजनेस में व्हेन यू आर बाकिंग जर्नी फ्रॉम इंडियन ओरिजिन यू हैव टू पे टैक्स तो उसमें असेसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन धंधा मैंने बंद कर दिया ट्रेड लाइसेंस सरेंडर कर दिया अगला साल नहीं इसी साल अपना इनकम डिटरमाइन करो और टैक्स पेमेंट करो पर्सन लिविंग इंडिया घर बार बेच के जा रहा है सियाना समझागा नहीं होगा सो देर आर सर्टेन केसेस वेयर यू हैव टू पे टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इट सेल्फ फॉर नॉर्मल पर्सन ऑल्सो नॉर्मल लोगों के लिए भी एक्सेप्शन छोड़ दो कोई भी कंट्री जब अपना टैक्स स्ट्रक्चर डेवलप करती है ना टैक्स स्ट्रक्चर जब डेवलप करती है काफी सारा दिमाग लगाती है तुम इस साल कमा लो इस साल कमा लो अगले साल टैक्स देना सौ रुपया का लॉटरी टिकट खरीदा मैंने राइट right? अखबार खरीद के लाया उसमें ही आता है ना कौन जीता नहीं जीता दिवाली में मैंने सौ रुपया का लोटरी टिकट खरीदा था राइट right? अगले दिन अखबार अग में आएगा कौन जीता मैंने अखबार खरीद के लाया एक करोड़ ऐसा होता है ना मैं करोड़पति बन गया मैं सरकार को अगला साल टैक्स देगा अरे भैया मैंने पैसे देखे ही नहीं है और जिन्होंने पैसे नहीं देखे उनके पास अगर एक करोड़ आ जाए लेट्स मीट ऑन यूएस मैं जा रहा है घूमने के लिए पूरा पैसा वैसा सब खर्चा कर दिया विनिंग फ्रॉम लॉटरी पे थर्टी परसेंट इनकम टैक्स है असेसमेंट आया तीस लाख रुपया देना है फिर सौ रुपए का टिकट खरीदा नहीं जीता खरीदते जा रहा टिकट जीती नहीं रहा है टैक्स कहां से भरेगा तो नुकसान तो सरकार को हो गया और तुम अंडरग्राउंड होकर बैठा हुआ है हा? कहां से पकड़ेगी सरकार पुराने एड्रेस पे जा रही है बार बार तो वहां मिल नहीं रहे हो तो सरकार जब टैक्सेशन स्ट्रक्चर डेवलप करती है ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है लेकिन सरकार दिमाग लगाती है बोला अगर लोगों के पास टैक्स देने को पैसा ही नहीं हुआ तो इसलिए सरकार पेई कॉन्सेप्ट लेके आती है पेई -ए। पी ई -ए ए। इसलिए सरकार पेई कॉन्सेप्ट लेके आती है जब भी टैक्सेशन स्ट्रक्चर डेवलप होता है ना पेई पे एस यू अन इसको हमारे कंट्री में पे एस यू अर्न इसको हमारे कंट्री में टी डी एस बोला जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जब बुक मेकर आपको एक करोड़ देगा उसी समय वो थर्टी परसेंट काट के आपको हाथ में सत्तर लाख देगा और वो थर्टी परसेंट जो काटेगा वो दैनदेर वो सरकार को जमा कर देगा मतलब मैं जो इनकम कमाता हूं टीडीएस पहले पहले ही कट है, पहले ही कट कट गया गया है है टैक्स सो टीडीएस इज नॉट अ टैक्स इट्स अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग टैक्स फर्दर कुछ कुछ पेमेंट्स ऐसे होते हैं कुछ कुछ इनकम मेरे पास ऐसा आया जिसपे टीडीएस काटने का दरकार नहीं है बट अपने आप से मैं एडवांस टैक्स पेमेंट करूंगा सो so, टीडीएस का कॉन्सेप्ट और एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट ये आपके अपकमिंग सेमिस्टर्स में आएगा तो अभी आपको सिंपल याद रखना है इस साल मैंने जो भी कमाया है उस पे मैं टैक्स अगले साल दूंगा नंबर वन इसके एक्सेप्शन हैं शिपिंग बिजनेस पर्सन लिविंग इन इंडिया डिस्कंटेंट ऑपरेशन इसी साल आपको टैक्स देना है फर्दर सरकार ने पेई कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया है और एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट भी है राइट right? जब आपको इनकम मिलेगा तो देने वाला पे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी डाला गया है इसका इनकम टैक्स काट के इसको दो राइट right? तो सरकार को इस इनकम पे टैक्स इसी साल मिल जाता है बाय वे ऑफ टीडीएस बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स राइट डिस्कशन so सो so, इसमें काफी सारा डिस्कशन मैंने किया है राइट right? जो आपके एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है जैसे कोई भी डेफिनेशन आ गया तो आप लिख देंगे प्रीवियस ईयर किसको बोलता है असेसमेंट ईयर किसको बोलता है फर्दर आप ये भी लिख देंगे वॉट इज द एक्सेप्शन टू द रूल अर्न इन प्रीवियस ईयर पे टैक्स इन असेसमेंट ईयर तो इसमें एक्सेप्शन में आप ये सब लिखेंगे हालांकि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस नहीं पूछेगा एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा क्योंकि आपके करिकुलम में नहीं है बट फिर भी मैंने आपको जस्ट बताना था तो आई हैव टोल्ड यू राइट तो सरकार बोलती है इस साल कमाइए अगले साल टैक्स दीजिए उसके कुछ कुछ एक्सेप्शन भी हैं नंबर वन नंबर टू सरकार ने एक तरफ तो बोला इस साल कमाइए टैक्स अगले साल दीजिए लेकिन बाय वे ऑफ टीडीएस बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स सरकार कुछ हद तक टैक्स इसी साल हमसे ले ले रही है अगर मैंने नहीं दिया तो उस पे इंटरेस्ट लगाएगी सरकार डेफरमेंट ऑफ टैक्स दिया अब बात करते हैं इनकम कैलकुलेशन का समझ में आ गया मैंने अभी तक तो क्या क्या बताया आपको? आपको बता टैक्स क्या होता है कितने टाइप टैक के टैक्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स में जो कमाता है वही बंदा टैक्स देता है इंपैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट टैक्स में अल्टीमेटली कंज्यूमर देता है इंटरमीडियरी टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं राइट right? और अगर मैं इनकम टैक्स लॉ की बात करूं तो इनकम टैक्स लॉ में ये सारा चीज आता है इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स रूल्स फाइनेंस एक्ट सर्कुलर केस लॉ सेक्शन अगर मैं एक्ट की बात करूं तो एक्ट का सेक्शन वन में स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव है सेक्शन टू में सारे डेफिनेशन हैं तो मैंने चार डेफिनेशन आपको बताया एंड देन प्रोसेस जो इनकम टैक्स कैसे पेमेंट होता है उसका प्रोसेस बताया आप इस साल कमाइए रिटर्न भी आप जमा करिए आपका इनकम ऑफिसर है वो करेगा कि आपने टैक्स सही दिया है या गलत दिया है तो इस रूल का एक्सेप्शन भी है बोलता है कि नहीं आपको प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ेगा और नॉर्मल केसेस में आप टैक्स करेंट ईयर में ही दे देते हैं बाई वे ऑफ टी डी एस बाई वे ऑफ एडवांस टैक्स राइट चलिए ना अब जो डिस्कशन होने वाला है तो इसमें काफी सारा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन आएगा ये पर्सन कौन से स्टेटस का है राइट ये प्रोसेस भी आपको पूछ सकता है तो काफी सारा पर्सन का डेफिनेशन एसएससी का डेफिनेशन राइट नाउ अब मैं इनकम कंप्यूटेशन की बात करूंगा इनकम कंप्यूटेशन में सबसे पहले आपको यह देखना है सपोज आप एक कंसल्टेंट है तो आपके पास एक बंदा आएगा और आप बोलेगा कि मैं ये कमाता हूं मेरा मेरा इनकम इनकम आप कंप्यूट कर दीजिए उस पर कितना टैक्स बनता है यह बताइए तो सबसे पहले मैं सेक्शन टेन देखूंगा सेक्शन टेन में सारे के सारे एग्जेप्टेड इनकम मेंशन किया हुआ है सेक्शन टेन में सारा का सारा एक्जेड इनकम मेंशन किया हुआ है जैसे सेक्शन टेन सबसे वन में आपका एग्रीकल्चरल इनकम एक्जेमटेड है जस्ट टू अवॉइड हार्डशिप ऑन द शोल इनकम सेक्शन टेन सबसे में शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म यह भी एक्जेम्पटेड है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म दिस इज ऑल्सो एग्जेम्पटेड राइट तो इस तरीके से काफी बड़ा लिस्ट है uh, जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जेमटेड होता है इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड वो भी एग्जेमट होता है तो इस तरीके से लॉन्ग लिस्ट राइट तो आपका एग्जाम में पूछ सकता है मेंशन फाइव एग्जेमटेड इनकम बता दीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिलता है टू मीट दी कॉस्ट ऑफ एडुकेशन वो भी एग्जेमटेड है जैसे सीए के बच्चों को आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड मिलता है वो जो स्टाइपेंड होता है ना दैट इज जस्ट टू मीट दी कॉस्ट ऑफ एडुकेशन स्कॉलरशिप एग्जामेड है डेट इस तरीके से सेक्शन टेन में तो आप कंसल्टेंट बन जाएंगे सर मेरा यह कमाई है टैक्सी वाला का पहले भैया पांच हजार रुपए लगेगा पांच हजार फीस है कंसल्टेंसी पांच हजार है ठीक है दे दूंगा नहीं पहले दीजिए मैंने सुना एग्जेमटेड जो नेक्स्ट करने की दरकार नहीं है एग्जेपेड है बेटा कुछ नहीं करना है तुमने सेक्शन टेन देखा सेक्शन टेन में लाइन से सारा देख लिया है तुम्हारा मैच हो रहा है एग्जाम्पेड चलो नेक्स्ट अगर टैक्सेबल है तो प्रॉब्लम है तो कंप्यूटेशन करना पड़ेगा तो बेसिकली देर आर हेड्स ऑफ इनकम फाइव हेड्स ऑफ इनकम राइट फाइव हेड्स ऑफ इनकम वेरी इंपॉर्टेंट इससे भी क्वेश्चन आता है आपको बोल देगा ये इनका में बताओ कौन से हेड में आएगा राइट right? सो so, एक है हमारा इनकम फ्रॉम देन वी हैव इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देन वी हैव पीजीबीपी मतलब Profit and gains of business or profession. Basically, business income. Business, oblique, profession income. Then we have capital gains. Then we have income from other sources. फाइव हेड्स ऑफ इनकम नाउ कौन सा इनकम किस हेड में आएगा ये मैं आपको बताऊंगा एंड हम लोग बहुत सारा टंग ट्विस्टर्स खेलेंगे अभी मजा आएगा राइट right? टंग ट्विस्टर्स खेलेंगे एग्जाम में आएगा दोस्त मैं कंसल्टेंट हूं कंसल्टेंट से सीखने का फायदा यही है आपके पास डिग्री नहीं रहेगी बट आप कंसल्टेंट बन सकते हैं अब मैंने आपको बताया इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट बनने का दरकार नहीं है ज्ञान का दरकार है तो ये मैंने आपको धंधा करने का उपाय बता दिया आठ दस कंपनी का अकाउंट्स पकड़ लो डेढ़ सौ दो सौ का टैक्स कंसल्टेंट बन जाओ बीस पच्चीस लाख रुपए कहीं नहीं है साल का बिना डिग्री के बट नॉलेज होना चाहिए ये जो का जो रिटर्न का फॉर्म है इसको समझना पड़ेगा कैसे भरते हैं यही सब सीखना है और करना है क्या काफी है काफी सारा ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है यू कैन इजीली डू बट यू हैव टू गेट इनटू टैक्स एक्ट वगैरह पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत नॉलेज लेना पड़ेगा तब सामने इसको तो नॉलेज है भाई इसी से करवा अपने टैक्स प्लानिंग राइट आइए सो नाउ इनकम टैक्सेबल है फाइव हेड्स ऑफ इनकम में हेड ऑफ इनकम में टैक्सेबल है चैलेंज क्या है कौन से हेड में आएगा बिकॉज सारे हेड के अपने फायदे भी अपने नुकसान भी है तो हर हेड का एक चार जेबिलिटी सेक्शन होता है राइट right? इस चार्जेबिलिटी सेक्शन के तहत आपको यह मालूम चलेगा कि इनकम इस हेड में टैक्सेबल है अभी मैं सेक्शन नहीं बताऊंगा आपको मैं कंडीशंस आपको बताऊंगा जैसे कुछ कुछ के तो मेरे को याद है इसका सेक्शन 22 है इसका सेक्शन 28 है इसका सेक्शन 45 है इसका सेक्शन 56 है सैलरी आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली अगेंस्ट सेक्शन 17 होना चाहिए दैट इज राइट सेक्शन 17, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग राइट तो इन सब चार्जेबिलिटी सेक्शंस में लिखा है अगर इनकम इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है इन कंडीशंस को फुलफिल करता है तो इनकम इस हेड में आएगा मतलब इनकम टैक्सेबल तो है ही बट कौन से हेड के तहत टैक्सेबल है मैं आपको बताता हूं सिंपल सा फंडा बताऊ समझो समझो चीज को सबसे पहला बात तो एक तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रख दिया जैसे सेक्शन फिफ्टी में क्लियरली लिखा है डिडेंट इनकम ऑलवेज अदर सोर्स एकदम क्लियरली बोल दिया तो कुछ कुछ सेक्शन 56 में डायरेक्टली मेंशन कर दिया कि ये इनकम इसी हेड में आएगा बैंक इंटरेस्ट सेविंग बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है कमीशन इनकम फैमिली पेंशन जो वीडो को मिलता है दीज आर अदर सोर्सेस बाय डिफॉल्ट बट माई डियर फ्रेंड ऐसा कोई इनकम जो पहला चार हेड में नहीं आ रहा है वो अदर सोर्सेस में आएगा तो इसको रेसिडुअरी हेड ऑफ इनकम भी बोला जाता है इसको रेसिडुअरी हेड ऑफ इनकम भी बोला जाता है एकदम दिमाग में डाल लो अगर कोई इनकम किसी हेड में नहीं आ रहा है तो वो अदर सोर्सेस में आवेगा बिकॉज यू डिटरमाइन दी हेड यू ओंट बी एबल टू कैलकुलेट इनकम बिकॉज सारे हेड का कंप्यूटेशन डिफरेंट है हालांकि अगेन ये जीएसटी वाला ही प्रॉब्लम हो गया वैट सर्विस टैक्स एक्साइज इसलिए वो लोग डायरेक्ट टैक्स कोड अभी तक आया नहीं है बट जिस दिन आएगा सब सिंप्लीफाई हो जाएगा बट एनी वे मजा आता है सबका चार्जेबिलिटी सेक्शन है ना चिंता वाली कोई बात नहीं है तो सेक्शन 56 में पूरा क्लियरली मेंशनड है कौन कौन सा इनकम अदर सोर्सेस में आवेगा एंड अदर सोर्सेस इज आल्सो नोन एज एसड्यूअरी हेड ऑफ इनकम तो अपने को फोकस इसमें करना है सबसे पहले अगर मैं बात करूं सैलरी की तो यहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता होना चाहिए रामू पानी ले क्या रामू साफ कर नीचे कचरा देख रामू मेरा खाना डाल दे भाई रामू मेरा शर्ट आयरन कर दे मैं जो जो बोल रहा है वो कर रहा है अब ब्रो गेट दिस रिपोर्ट फाइनलाइज्ड बाय टुडे हाँ, यू ओन्ट लीव इट इफ यू डोंट डू इट सर आई हैव टू गो मेरे घर में फंक्शन है नो ब्रो व्हाट्स माय वर्क इज इंपॉर्टेंट मतलब मैं जो सुपरवाइज कर रहा है तेरे को वैसे ही काम करने का है तू मेरा डायरेक्ट डायरेक्शन एंड कंट्रोल में है तो मैं जो तेरे को पैसा देगा वो तेरे लिए सैलरी इनकम इसी को बोलते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप राइट इफ द पर्सन इज सब्जेक्टेड टू डिटेल डायरेक्शन एंड कंट्रोल देन इट विल कम अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी मैं आपको पढ़ा रहा है फीस ले रहा है हा? मैं आपको पढ़ा रहा है फीस ले रहा है Am I subjected to your direction and control? बिल्कुल भी मत बोलना। भैया हमारा यह सर्विस है मैं इस तरीके से पढ़ाएगा पसंद हो तो ज्वाइन करो लाइक करो सब्सक्राइब करो पसंद नहीं है किसी और को ढूंढ लीजिए देखिए, हम्बल आदमी हूं मैं एकदम राइट So, whatever fees you are giving me, I am not directed uh, under your control, right? So that will be my business income. Right? Profession income. So, but if you are subjected to detailed direction and control, so there is a difference between contract of service and contract for service. Right? So, contract of service versus कॉन्ट्रैक्ट फॉ सर्विस तो यहां पे डिटेल डायरेक्शन एंड कंट्रोल है राइट right? डिटेल तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी में नॉट सब्जेक्टेड टू डिटेल डायरेक्शन एंड कंट्रोल तो यह क्या माना जाएगा पी जीवीपी समझ गया तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होगा तो इधर आएगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होगा तो इधर आएगा ये चीज दिमाग में डाल लीजिएगा तो ये जो चार्जेबिलिटी सेक्शन है ना ये आपको मदद करेगा कौन से हेड में आएगा राइट ओके पार्टनर रिसीव्ड सैलरी फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म बोलो दोस्त पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म से सैलरी मिला है पीजीबीपी आई हैव रिसीव सैलरी इन द कैपेसिटी ऑफ ओनर नॉट एम्प्लॉयी By whatever name called. Remuneration का कुछ भी नाम हो सकता है बै रिसीविंग इट इन दपेसिटी ऑफ द ओनर नॉट इन दपैसिटी ऑफ एम्प्लॉ तो ये सैलरी इनकम नहीं होगा ये मेरा बिजनेस इनकम में जाएगा इज इट ओके राइट हाउस प्रॉपर्टी I must be the owner. Building. Not for business. मैं ओनर होना चाहिए और बिल्डिंग होना चाहिए एंड and... बिजनेस का यूज नहीं होना चाहिए कहने का मतलब बिल्कुल साफ है एक्स ने वाई को दिया वाई ने जेड को दिया भाड़े पे तो ये इसको रेंट दे रहा है ये भी इसको रेंट दे रहा है हा? तो इसका जाएगा इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में और इसका जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसने बिकॉजिंग किया है क्योंकि अगर कोई income कोई head में नहीं जा रहा तो कहां जाएगा वो? देखो X and y and Z का का समझो, y and Z employer employee तो है नहीं, y का इस चीज का धंधा नहीं है वाई ने कोई एसेट बेचा नहीं है वाई ओनर भी नहीं है तो अदर सोर्सेज में जाएगा ना अपने आप से पूछो पहले सवाल पूछो इज वाई एंड जेड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आंसर इज नो इज वाई ओनर आंसर इज नो इज वाई एंगेज इन सब लेटिंग आंसर इज नो इज वाई सोल्ड द हाउस प्रॉपर्टी आंसर इज नो तो किसी भी हेड में नहीं आ रहा देखो सैलरी है नहीं हाउस प्रॉपर्टी में ओनर होना चाहिए आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग मैंने बेचा भी नहीं है तो आई एफ ओ एस में जाएगा इनकम हुआ तो आई एफ ओ एस क्स तो देना ही पड़ेगा अपने आप से पूछो ना इज वाई एनजेड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नो इज वाई ओनर नो इज वाई एंगेज इन सबलेटिंग नो इज इन सबलेटिंग किया है बट आई एम नॉट रेगुलरली डूइंग दिस बिजनेस किसी चीजें भाड़े में ये मेरा धंधा नहीं है बट एक्स ओनर है तो एक्स को जो रेंट मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल जाएगा राइट right? एक्स के पास में एक फर्नीचर था इसने एक को भाड़े में दे दिया बोलो कौन से हेड में जाएगा आई एफ ओ एस बिल्डिंग नहीं है ना फर्नीचर है ये अगर फर्निश फ्लैट में देता तुमको एंड उस फर्निश्ड फ्लैट में आई एम अनेबल टू डिसाइड कंबाइंड रेंट है वॉट इज इंपोर्टेंट फ्लैट इज इंपॉर्टेंट और फर्नीचर इज इंपॉर्टेंट मेन 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 कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट क्या है फ्लैट इनकम फ्रॉम एचपी में जाएगा कंबाइंड रेंट अगर सेपरेबल है तो फ्लैट वाला जाएगा और फर्नीचर वाला जाएगा इसका मेन देखना पड़ेगा मेन क्या है सेपरेट कर पाओगे तो अलग अलग डालो नहीं कर पाओगे तो हाउस प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा और खाली फर्नीचर हुआ तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मेरा जगह से मैं बिजनेस कर रहा हूं इस बिजनेस में इनकम हो रहा है बिजनेस इनकम माना जाएगा क्योंकि आई एम यूजिंग इट फॉर बिजनेस बेनिफिट ना तो कंडीशन क्या है ओनर होना पड़ेगा आपको बिल्डिंग होना चाहिए और आप बिजनेस में यूज नहीं करेंगे बिजनेस में यूज करेंगे तो पीजीपीपी माना जाएगा राइट right? ये सारा आपको लॉ तो मैं जब इनकम टैक्स पढ़ता था ना मैंने डेली जो जो पढ़ाई की मैं उसको ए फोर शीट में लिख के मैं दीवाल में चिपका दिया करता था क्योंकि प्रोविजन है आप जितना मेमोराइज करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा लॉजिक देके समझा रहा हूं रटवा नहीं रहा हूं फर्क है दोनों में बिजनेस इनकम अगर आपके पास फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है ट्रेड लाइसेंस है करंट अकाउंट है बिजनेस इनकम में जाएगा प्रोफेशनल इनकम में जाएगा कैपिटल गेन जमीन जायदाद सोना शेयर राइट अगर आपने सेल किया है बेसिकली सेल ऑफ कैपिटल एसेट तो जो डिफरेंस फिगर होगा परचेस प्राइस का जो कॉस्ट और सेल प्राइस में वो कैपिटल गेन माना जाएगा तो बस एक दो एक केस स्टडी मेरे को कराने हैं आपको मेरा एक घर था इस घर में एक अलमीरा है ये मैंने दस हजार में खरीदा था सोल्ड टू मिस्टर एक्स फॉर रुपीस ट्वेंटी एट के तो मेरे को गेन कितने का हुआ 18 के का हा बताइए क्यों है ना ये पर्सनल मूवेबल एफेक्ट को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है यह पर्सनल है मूवेबल है कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा सो दिस इज नॉट टैक्सेबल एज कैपिटल गेन नीदर अदर सोर्सेस हाउस होल्ड का कोई भी सामान अगर आप बेचेंगे हाउस होल्ड का कोई भी सामान अगर आप बेचेंगे हाउस होल्ड का कोई भी सामान अगर आप बेचेंगे तो वो आपका कैपिटल गेन नहीं होगा ना ही वो अदर सोर्सेस में जाएगा ठीक है हाउस होल्ड है ये मेरा एक एग्रीकल्चरल लैंड है गांव में इसको मैंने सोल टू शर्मा बोलिए Gain not taxable as capital gain because agricultural land in rural area इसको capital asset नहीं माना जाता ये सब law में लिखा है मैं जब कैपिटल गेन पढ़ाऊंगा जब व्हेन आई गो टू रेस्पेक्टिव हेड्स, देन आई विल टीच यू ऑल दिस थिंग्स, बट फॉर द टाइम बीइंग, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया ये भी कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल एसेट क्या क्या नहीं है पर्सनल मूवेबल इफेक्ट ये कैपिटल एसेट नहीं है एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया ये भी कैपिटल एसेट नहीं है हाउएवर हाउएवर नीदर जमीन कब बेचेगा जब वो में उस समय हम लोग उससे टैक्स नहीं ले सकते तो वो जो जमीन को यूज करके जब कमा रहा है वो भी एग्जेमटेड है और जमीन को अगर बेच दिया जो कैपिटल के नएगा वो भी नॉट टैक्सेबल है कैपिटल गेन तो है ही नहीं क्योंकि कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में नहीं आता राइट right? हाँ बाकी नॉर्मल अगर अर्बन एरिया में किसी का जमीन है तो उसमें एग्रीकल्चरल लैंड है ना वो हाँ तो तुम इसको बेच दोगे तो तुमको कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा किसी का अगर एग्रीकल्चरल लैंड है गांव में उसमें जिसमें खेती हो रहा है उसी को एग्रीकल्चरल लैंड बोलेंगे बंजर जमीन पड़ा है उसको एग्रीकल्चरल लैंड नहीं बोलेंगे अगर आप अपना खेती वाला जमीन को बेचते हैं राइट देन इन दैट केस आपको कैपिटल गेन टैक्स तो देना ही नहीं है और दूसरे हेड में भी नहीं देना है फार्मर्स के पे ये हार्डशिप हटाया गया है इज इट फाइन नाउ मैं एक कंप्यूटर डीलर हूं मैंने स्टॉक uh, परचेस करके सेल किया है कस्टमर को सोल टू कस्टमर Hmm? तो यहां पर भी गेन आएगा लेकिन ये कैपिटल गेन नहीं होगा दिस विल नॉट टैक्सेबल एज कैपिटल गेन ये मेरा बिजनेस इनकम है बिजनेस इनकम बिकॉज दिस इज माई स्टॉक इन ट्रेड सेल ऑफ कंप्यूटर मेरा बिजनेस इनकम माना जाएगा क्योंकि मैं इस धंधे में हूं आई एम कंप्यूटर डीलर आई एम सेलिंग कंप्यूटर सो दिस इज माई स्टॉक इन ट्रेड तो स्टॉक इन ट्रेड को बेचेंगे तो वो कैपिटल इन गेन नहीं है वो बिजनेस इनकम है पीजीपीपी में आएगा परचेस सेल ग्रॉस प्रॉफिट फिर सारा एक्सपेंस दिखा के नेट प्रॉफिट जीबीपी में नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है राइट right? तो क्या क्या चीज कैपिटल गेन नहीं लगेगा किस किस चीजों पर तीन चीजों पर जो पर्सनल मूवेबल इफेक्ट है एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया ये दोनों तो वैसे भी कहीं टैक्सेबल नहीं है एंड स्टॉक इन ट्रेड ये तीन एक्सेप्शन है किसका कैपिटल एसेट का नॉट कैपिटल एसेट नॉट अ कैपिटल एसेट नॉट अ कैपिटल एसेट राइट सो जनरली मैंने आपको आज uh, सारा हेड्स में के बारे में बता दिया कि कौन से केसेस में होगा अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो वो सैलरी इनकम में आएगा ओनर हूं मैं बिल्डिंग है बिजनेस में यूज नहीं किया है तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा रेंटल इनकम राइट आई एम टॉकउटर रेंटल इनकम और अगर मैं किसी चीज का धंधा कर रहा हूं ट्रेड लाइसेंस है एस्टेब्लिशमेंट है तो वो मेरा पीजीबीपी में आएगा कोई एसेट को मैंने बेचा है कैपिटल गेन राइट बट तीन ऐसा चीज है जो कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है और मूवेबल इफेक्ट पर्सनल मूवेबल इफेक्ट एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया एंड स्टॉक इन ट्रेड स्टॉक इन ट्रेड तो वैसे भी बिजनेस इनकम में आएगा तो बाई डिफॉल्ट समझ में आ रहा है कुछ कुछ ऑलवेज अदर सोर्सेज होता है डिविडेंट इनकम बैंक इंटरेस्ट कमीशन फैमिली पेंशन और अदर सोर्सेज को रेसिडोरी हेड ऑफ इनकम भी बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस बिजनेस इनकम में आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस सैलरी में आएगा पार्टनर को जो भी मिलता है वो ओनर के कैपेसिटी में मिलता है तो वो सैलरी में नहीं आएगा पीजीपीपी में आएगा सबलेटिंग आई एफ ओ में आएगा फर्नीचर को रेंट दिया है तो आई एफ ओ एस में आएगा लेकिन अगर फर्निश फ्लैट है सेपरेबल है तो बिल्डिंग वाला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फर्नीचर वाला आई एफ ओ एस कंबाइंड रेंट है तो मेन क्या है मेन फ्लैट है फर्नीचर इज नॉट इंपॉर्टेंट सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा राइट right? और कैपिटल का तो मैंने बताया ही है क्लियर तो बेसिकली यहां पे मैं बता देता हूं प्रॉपर्टी यूज फॉर बिजनेस नॉट इनकम फ्रॉम एचपी अगर प्रॉपर्टी को बिजनेस में यूज करेगा तो वो एचपी नहीं माना जाएगा वो बिजनेस इनकम माना जाएगा राइट सो वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू डू अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन To the course and we'll be doing it in future as well so next class we will start with any of the heads and accordingly we will move ahead right thank you so much god bless you